कार्वर्सल पे स्वागत है आप सभी का। हर्ष बब्बर है मेरा नाम और ये एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर बेस्ट एसयूवीज इन इंडिया अंडर ₹10 लाख, वो सारी बेस्ट एसयूवीज जो कि इंडियन मार्केट में आती है जो कि 10 लाख रुपए से कम के बजट की है। तो आज उन्हीं सारी एसयूवीज के बारे में बात करेंगे और बाकी आप मुझे बताएगा कि आपको इन चारों एसयूवीज में से कौन सी एसयूवी सबसे ज़्यादा पसंद है और इन सारी गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आप खरीदना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को देखते रहे इन सारी बातों के बारे में जानने के लिए आप कार्वर्सल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारी इंटरनेशनल और नेशनल कार की न्यूज़, उनकी डिटेल्स और फीचर्स वगैरह सबसे सही तरीके से देखने के लिए। तो इंडियन कार मार्केट में कई सारी गाड़ियां आती है और जो इंडियन कार मार्केट में सबसे ज़्यादा जो कार का सेगमेंट जो कि चल रहा है और जिनकी गाड़ियों जो सबसे ज़्यादा बिक्री है वो है मिड साइज एसयूवी वाला सेगमेंट। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा एसयूवीज बिक्री है वो है 10 लाख रुपये से कम के बजट वाली या फिर 15 लाख रुपये से कम के बजट वाली, या फिर अगर आप इंडियन मार्केट में एसयूवीज देखें जैसे कि XUV300 या फिर वेन्यू देखें या फिर क्रेटा देखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर बेस्ट एसयूवीज इन इंडियन मार्केट अंडर ₹10 लाख, वो सारी बेस्ट एसयूवीज जो कि इंडियन मार्केट में है 10 लाख रुपए से कम के बजट की। तो हो सकता है कि आपको इन चारों एसयूवीज में से कौन सी एसयूवी लगता है कि नहीं होनी चाहिए इस लिस्ट में या फिर लगता है कि कोई और होनी चाहिए, तो बाकी आप मुझे वो कमेंट करके बताइएगा। और बाकी अगर आपको 10 लाख रुपये से कम के बजट की एक एसयूवी चाहिए जिसमें आपको फीचर्स भी अच्छे मिले, आपको प्राइसिंग भी अच्छी मिले, बाकी लुक्स वगैरह और परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छी मिले, तो आप अगर इन चारों एसयूवीज को अगर आप कंसिडर करेंगे तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। तो जो पहली एसयूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इंडियन मार्केट में और जिसका जो प्राइस रेंज है वो 10 लाख रुपए से कम की है, वो है XUV300। तो ये जो गाड़ी अभी भी कुछ ही महीनों पहले लॉन्च हुई है और इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा काम कर रही है अपनी लुक्स की वजह से, अपने फीचर्स की वजह से और बाकी अपनी पावर की वजह से। तो बाकी ये इंटरनेशनल मार्केट में तो सैमसंग टिवोली है और इंडियन मार्केट में बस उसी को थोड़ा बहुत चेंजेस करके, उसमें लुक्स में चेंजेस करके और बाकी इंजन वगैरह में चेंजेस करके उसे इंडियन मार्केट में बेचा जा रहा है और इसका नाम है इंडियन मार्केट में XUV300। कि इसमें आपको दो इंजन मिलते हैं जो कि एक डीजल का और एक पेट्रोल का है और बाकी ट्रांसमिशन में आपको फिलहाल तो एक 6 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलती है, लेकिन अभी कुछ ही हफ्तों बाद या फिर कुछ दिनों बाद इसमें एक AMT ट्रांसमिशन भी आने वाली है, तो आपको इसमें फिर ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और बाकी इस गाड़ी में आपको फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं जैसे कि इसमें आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, सनरूफ मिलती है और बाकी ABS+EBD मिलती है और उसके बाद डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, LED हेडलाइट्स मिलती है, टेललाइट्स मिलती है, 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं और ये जो लिस्ट है काफ़ी जाती रहती है और अपने सेगमेंट की आप कह सकते हैं मोस्ट लोडेड एसयूवी है। और बाकी इसका जो डीजल वाला इंजन है उसमें आपको कपार भी काफी अच्छी मिलती है जो कि आपकी स्क्रीन पे पहले आई रही होगी। और बाकी इसका जो इंडियन मार्केट में जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 7.83 लाख से लेके 11.90 लाख रुपीज एक्सशोरूम इंडिया। तो इस प्राइस के हिसाब से गाड़ी भी काफी अच्छी है, बाकी इसमें जो इंटीरियर क्वालिटी और फिट एंड फिनिश है वो भी आपको काफी अच्छी मिलती है। अगली एसयूवी इस लिस्ट की वो है ह्यूंडई वेन्यू जो कि इंडियन मार्केट में अभी कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुई है ऑफिशियली। तो ये एक सब 4 मीटर मिड साइज या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी है इंडियन मार्केट में और जब से इंडियन मार्केट में आई है इसकी कई सारी बुकिंग्स भी हो चुकी है, कई हज़ारों में इसकी जो प्री बुकिंग है और बुकिंग भी हो चुकी है और बाकी इंडिया में इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है इसके लुक्स की वजह से, इसके कम प्राइस की वजह से और बाकी इसके फीचर्स की वजह से। तो बाकी आप अगर आप इसके लुक्स देखें और बाकी अगर आप इसकी बॉडी डिज़ाइन वगैरह देखें तो आपको काफ़ी कुछ जो ह्यूंडई की सेंट वे आती है नई वाली उसकी जैसी आपको दिखेगी। और बाकी इसमें आपको 3 इंजन्स मिलते हैं और 3 ट्रांसमिशन मिलते हैं जिसके जो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। और बाकी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको सनरूफ मिलती है, 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं, 6 एयरबैग्स मिलते हैं, एयर प्योरीफिकेशन मिलती है, ब्लूलिंक कनेक्टिविटी मिलती है और बाकी इसमें पावर भी जो है आपकी अगर आप डायरेक्टली इंजेक्टेड वाला पेट्रोल इंजन ले तो वो भी इंजन भी काफ़ी अच्छा है इसमें आपको जो कि मिलता है। और बाकी इसका जो मेन हाईलाइट है वो इसका कम प्राइस, तो इसका जो प्राइस है इंडियन मार्केट में वो है 6.5 लाख से लेके 11.1 लाख रुपीज एक्सशोरूम इंडिया जो कि इसे अपने सेगमेंट की वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव गाड़ी अपनाती है और इसलिए गाड़ी इंडिया में काफ़ी पसंद की जा रही है और काफ़ी लोग इसे खरीद रहे हैं। फिर जो अगली गाड़ी है इस लिस्ट की वो है एक अमेरिकन कार मेकर की तरफ से, वो जो कि है फोर्ड एकोस्पोर्ट। तो ये गाड़ी तो इंडियन मार्केट में कई सालों से आ रही है और इंडिया में अपने सेगमेंट की वन ऑफ द फर्स्ट एसयूवीज में से एक थी और बाकी जब से ये गाड़ी आई है तो फोर्ड ने इसके कई सारे अपडेट्स भी लॉन्च करते रहे, इसके वेरियंट्स भी, बाकी इंजन में भी इसके डिफरेंसेस लाते रहे और बाकी फीचर्स में भी। बाकी इसकी जो लेटेस्ट एडिशन वाली है या फिर लेटेस्ट वाला वेरिएंट है उसमें उन्होंने इसकी प्राइस भी कम कर दी है और बाकी फीचर्स भी कई सारे नए इंट्रोड्यूस कर दिए। तो बाकी इसमें आपको 2 इंजन मिलते हैं और 2 ट्रांसमिशन मिलते हैं, दोनों इंजन 1.5 लीटर के हैं और ट्रांसमिशन या तो आपको 5 स्पीड की मैनुअल मिलती है या फिर ऑटोमेटिक 6 स्पीड की मिलती है और बाकी जो पावर वगैरह और बाकी जो डिटेल्स वगैरह आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी
कि अगर आप और इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको सनरूफ मिलती है, एलईडी हेडलाइट्स मिलती है, बाकी कीलेस गो, कीलेस एंट्री, कीलेस स्टार्ट वाला फंक्शन भी मिलता है। 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं इस गाड़ी में आपको, बाकी 9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है, 6 ईयर बैग्स मिलते हैं, और बाकी इसकी जो सीटिंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और बाकी जो इसकी राइड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और बाकी इंडिया में इस गाड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता है इसके डिस्टिंक्ट लुक की वजह से, क्योंकि अपने सेगमेंट में काफ़ी अलग दिखती है और दूसरी गाड़ियों से काफ़ी अलग दिखती है। और बाकी इंडिया में जो इसका प्राइस है वो है 7.69 लाख से लेकर 11.33 लाख रुपीज़ एक्सट्रीम इंडिया। जो फोर्थ गाड़ी है इस लिस्ट की और जो आखिरी गाड़ी है इस लिस्ट की वो है होंडा की WRV। तो ये जो गाड़ी है काफ़ी आप कह सकते हैं ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इस गाड़ी का, या फिर पता भी है तो बिकती है काफ़ी इंडियन मार्केट में, लेकिन थोड़ा कम बिकती है, लेकिन गाड़ी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ चलती है गाड़ी, और बाकी इसकी जो क्वालिटी है मटेरियल वगैरह वो भी काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको दो इंजन मिलते हैं, एक डीजल का मिलता है और एक पेट्रोल का मिलता है। एक आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है या फिर आपको 1.2 लीटर का आई एक पेट्रोल इंजन मिलता है, और बाकी 6 स्पीड के मैनुअल या फिर 5 स्पीड के मैनुअल की ट्रांसमिशन मिलती है। और बाकी इस गाड़ी में भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें भी आपको सनरूफ मिलती है, एलईडी हेडलाइट्स मिलती है, उसके बाद 6 एयरबैग्स मिलते हैं, कीलेस एंट्री, कीलेस स्टार्ट, कीलेस गो वाले फीचर्स भी मिलते हैं इसमें आपको। बाकी अगर आप इस गाड़ी का जो मेन हाईलाइट वाला फीचर है वो देखें तो वो है इसकी स्मूथ राइड क्वालिटी और इसका ID Tech या फिर IV Tech वाला इंजन जो कि होंडा ही ऑफर करती है। और बाकी अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है इसकी स्मूथनेस की वजह से, और बाकी रिलायबल भी काफ़ी, और होंडा की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। और इंडियन मार्केट में जो इसका एक्शन प्राइस है वो है 7.84 से लेकर 10.48 लाख रुपीज़ एक्शन इंडिया। तो ये चारों SUVs है इसलिए इसके जो कि मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में बेस्ट SUVs है 10 लाख से कम के बजट की। और बाकी और भी कई सारी गाड़ी आती है, जैसे कि टाटा की नेक्सॉन आती है या फिर विटारा ब्रेजा आती है, TUV 3W आती है, और बाकी और भी कई सारी गाड़ियाँ आती है जो कि इस लिस्ट में मैंने नहीं ली। तो हो सकता है कि आपको उनमें से कोई और गाड़ी अच्छी लगी, तो बाकी आप मुझे बताएगा कि आपको ये सारी गाड़ियाँ पसंद हैं और इन सारी गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आप खरीदना पसंद करेंगे। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।